दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज को लेकर एक छोटा सा अभी अपडेट सामने आया है। रिसेंटली न्यूज में था कि जुलाई के एंड में फेज वन स्टार्ट होगा, जो कि अक्षरधाम से लेकर खजूरी का जो आगे बॉर्डर एरिया है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर एरिया, वहाँ तक ओपन होना था। तो ये सेक्शन यानी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज वन, पैकेज वन, ये स्टार्ट होगा अब जाके साल के एंड में, या तो नवंबर के आसपास या दिसंबर के स्टार्टिंग में। बाकी उस टाइम पे जो भी अपडेट होगा वो हम देखेंगे अकॉर्डिंगली। ये सेक्शन सीधा जाके अब नवंबर के आसपास ही ओपन होगा। अगर डिले के रीजंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो विजिबल रीज़न वो ये है कि जितने भी अभी इंटरसेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे दो तीन इंटरसेक्शंस की बात मैं करूँगा, जैसे खजूरी है, शास्त्री पार्क है, और इसके पीछे जहाँ पे जो एलिवेटेड रोड है वो बहुत ऊंची हाइट पे है, तो वहाँ आप देखोगे कि अभी फुल्ली तरीके से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जो नॉइस कैंसिलेशन बोर्ड्स हैं वो अभी इंस्टॉलेशन हो रही है वहाँ पर। तो ये कुछ एक छोटी छोटी जगह है, लेकिन क्योंकि जब ओपन होना है तो ये छोटी छोटी जगह भी बहुत मैटर करती है, तो इन सब चीज़ों को देख के काम में डिले है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि बारिश और सावन का महीना है, तो कांवड़ियों का रश यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये जो रूट है ये कांवड़ियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलचल रहती है, तो इस कारण भी थोड़ा सा एक डिले देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई के एंड तक तो शायद ओपन हो जाएगा जो फेस वन का पैकेज वन है, जो कि अक्षरधाम से लेकर के खजूरी के आगे जो दिल्ली और यूपी का जो टोल टैक्स बॉर्डर है, जहाँ पे एलिवेटेड रोड ख़त्म होता है, वहाँ तक ये ओपन हो जाए। तो अभी फाइनल अपडेट यही है फिलहाल की कि जुलाई के एंड तक ओपन नहीं होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेस वन का पैकेज वन, ये ओपन होगा अब नवंबर के आसपास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।